राम राम भाई सभी मेरे छोटे बड़े प्यारे भाइयों बहनों सबको। इस वीडियो में आप आए हैं राजस्थान नगरपालिका अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनेगा फ्री में, लॉटरी में किसका नाम आएगा और किसका नहीं। भाई मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियो बनाई है, सब में एक ही बात बताई कि भैया अब नगरपालिका की भर्ती दूसरे तरीके से शुरू की गई है। इस भर्ती में नगरपालिका में काम किए हुए कैंडिडेट का जिसके पास ठेकेदार का अनुभव प्रमाण पत्र वो भी ईओ के साइन करने के बाद का है या किसी सक्षम अधिकारी ने वेरीफाई या सिग्नेचर मोहर लगा के दिया है, कैंडिडेट का ईएफपीएफ कटा हुआ है तो ही वही सर्टिफिकेट चलेगा। और इतनी वीडियो बना के यूट्यूब पे हमने डाल चुके, बाई स्टडी पे बीरबल सर ने भी और ड्रीम एग्जाम पे मैंने भी, और भैया फिर भी दिन में 25-30 कॉल आज भी ऐसे आते हैं, सर जी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा या ये बन सकता है। भैया 6000 फॉर्म लगे हैं, 6-7000 फॉर्म लगे हैं, जब सीटें खाली रहेंगी। अब इसमें दो संभावनाएं क्या है, एक तो फॉर्म की डेट बढ़ेगी, जहां तक संभावना है फॉर्म की डेट 6 तारीख है लेकिन ये बढ़ेगी, 99% चांस है। दूसरा, इसमें अनुभव में फेरबदल हो सकता है, अनुभव में फेरबदल हो सकता है, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा फॉर्म डलने के बाद भी अनुभव में पिछली बार की तरह चेंजमेंट का ऑप्शन आ सकता है। तो जो भी साथी फॉर्म डालेंगे भैया, मैं ये कह रहा हूं कि सब फॉर्म डाल देना, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसी से फॉर्म डाल देना, क्योंकि आप लोगों के अनुभव चेंज होने की संभावनाएं हैं, लगातार आप लोगों के लिए कोई ना कोई संघर्ष कर रहा है, आपके अनुभव प्रमाण पत्र जो पहले चलने वाले थे उन्हीं को लाने के चक्कर में। देखो आप खुद तो कुछ करते नहीं हो और जो आपके लिए कोई आवाज उठाने की कोशिश भी करता है तो आप लोग आगे आते ही नहीं हो, तो फिर भैया हम क्या कर सकते हैं इसमें। अरे हम तो जब ही कराना जब थम आउड़े हैं, हम वहां जयपुर आप लोगों के लिए आंदोलन की अगर व्यवस्था भी करें, राकेश मीणा जी कर रहे हैं, काफी लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम आप घर से निकलोगे जब तो घर में घुस जाओ, घर में घुस के तुम नौकरी लग जाओगे, नहीं लगोगे दोस्त, जब तक घर से बाहर कौन निकलो कौन लागोगे, सीधी सी बात तुझे यार, ठीक। घर से बाहर था निकलना ही पड़ेगा, खुद के लिए आवाज उठाना ही पड़ेगा, ये काम था ना बिल्कुल करना ही पड़ेगा जब ही नौकरी लाग सको, नहीं तो कोई गुंजाइश ही कोना, सीधी सी बात तो सही यार। अब थम चाहो कि भाई मैं 20-25 हजार रुपया देकर सर्टिफिकेट बनवा लू, 5-7 हजार बन जाए तो अहिया को सिस्टम अब की बार कोन्या, सीधी सी बात तो सही यार, ठीक। अब थाने एक ही चीज बचा सके थे और वो या से कि थाने खुद ने आवाज उठानी पड़े, ठीक, और थाने धरनो देनो पड़े, आंदोलन करनो पड़े, जब तो थारा अनुभव प्रमाण पत्र पहले वाला चाल जावी, चाहे ठेकेदार का ही चाल जावी, लगभग ठेकेदार का बनवा बनवा के और बैठे सी गाँव में, ठीक। नौकरी सपने अच्छी लागे से लेकिन बाहर जाबो कोई ना अच्छो कौन लागे, तो भैया ये काम आपको करना पड़ेगा, ये छोटी सी जो कठिनाई है वो आपको ये करना पड़ेगा। ये जो सर्टिफिकेट है ये अभी के हिसाब से तो वही चलेगा जो सक्षम अधिकारी ने आप लोगों के लिए क्या कर रखा है, वेरीफाई कर रखा है, और लगभग मैं ये कह रहा हूं कि 6-7 हजार ही फॉर्म लग पाए हैं, वैकेंसी 23 हजार है, तो जिसने फॉर्म लगा दिया वो लग गया। और अभी थंबनेल पे आपने देखा कि लॉटरी में किसका नाम आएगा, तो इस हिसाब से अगर मामला चलता रहा तो उसी का नाम आएगा जिसने फॉर्म डाला है, ऑल टोटल हो गया उनका काम, वो नौकरी लग गए। लेकिन फिर भी इसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं, जो भी आपकी इच्छा है वो हम सोचेंगे कुछ उसके बारे में, लेकिन आप अपनी इच्छा पे जरूर थोड़ा सा वो रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के सेक्शन में आ जाना चाहिए, फिर आप लोगों के आगे क्या करना है वो चीजें बाद में सोचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।